मैं उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतनी रात को किसका फोन होगा। हेलो, ओफो, ये रंभा अभी तक जाग रही, इडियट, उल्लू कर। हेलो हेलो, क्या हुआ? चुड़ैल ने मेरी आवाज सुन के फोन काट दिया, और पता है फोन काटने से पहले उसने मुझे गाली दी। नहीं 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 रिंकू, रितु गाली कभी नहीं दे सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सी गाली दी उसने? रंभा का। ये कहाँ गाली है? तो क्या है? अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को रंभा, डायन, चुड़ैल इतनी बार कहा है कि आजकल ये गालियां नहीं खिताब बन गए। क्या बक रहे हो? सच कह रहा हूँ, मिसेस यूनिवर्स और मिसेस वर्ल्ड के बाद अब यही खिताब दिए जाने वाले हैं, मिसेस रंभा, मिसेस चुड़ैल, मिसेस डायन। नहीं, मैं फोन उठाऊंगी, रुको। हेलो, मक्कार, बदतमीज, नालायक। अरे मैंने क्या किया रितु? अरे रोहन तुम, सॉरी। अरे लेकिन हेलो तो रंभा ने कहा था। सुन बे रितु की बच्ची, रात के 12 बजे मुझे फोन करने का ना तुझे कोई हक नहीं है, समझी? ए मनहूस, मैंने फोन तुझे नहीं, मैंने फोन मेरे रोहन को किया, समझी? मेरा रोहन? माय फुट, योर फुट, माय फुट, इसीलिए कह रहा था रोहन तुम। मम्मी बस हो गया। अगर आप और यहाँ पर चले ना तो यहाँ पर क्रिकेट का पिच तैयार हो जाएगा। क्या कर रहे हो? वो बिचारी गुस्से से जलबुन रही है और तुम लोग तो उसे खिल्ली उड़ा रहे हो। अरे तो क्या जरूरत है उससे जलने भुनने की? क्यों? अरे ये क्या रिंकू ने कोई पहली बार किया है उसको फोन पर हड़काया? अरे लेकिन क्यों हड़काया? वो होती कौन है हड़काने के लिए? मैं उसकी यूं 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 छुट्टी कर दूंगी। हाँ बेटा जरूर करना, लेकिन कैसे? अगर मुझे मालूम होता तो मैं यूं 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 घूमती, टाइम पास करती। सत्तर घड़ी आ गए। एक मिनट, अगर डैडी आए होंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। क्यों? वरना वो हमें मनाएंगे कैसे? मम्मी। हाँ। डैडी नहीं, कोई मैडी है। क्या? मेरा मतलब माधुरी दीक्षित आई है। मेरा मतलब आपकी फ्रेंड माधुरी आंटी आई है। ओहो, तो जाना, जाके दरवाजा खोल। हाय रितु, हाय रितु। आओ बैठो बैठो। क्या बात है मैडी, आज बड़ा सज धज के। आज ही नहीं, मैं तो पूरे एक हफ्ते से ऐसे ही सज धज के घूम रही हूँ। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी शादी हो गई। आंटी कौन है वो बदनसीब? सॉरी यार, मजाक कर रहा है। कोई बात नहीं, अपने पापा पे गया है। नहीं 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 नहीं, इतना बुरा नहीं है ये बच्चा। खैर छोड़ो, ये मिठाई खाओ। थैंक यू। अच्छा तू मुझे एक बात बता। हाँ? दो हफ्ते पहले तो तूने मुझसे कहा था। हाँ? कि तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे डिच कर दिया। हाँ? उस वक्त कितना रोई थी तुम। ये कोई दूसरा लड़का है क्या? ये वही लड़का है। मैंने आइडिया करके उसे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, क्या आइडिया? क्या? बताना बताना। मैंने ना मैंने उस पर टियर गैस छोड़ा। टियर गैस? मेरा मतलब है उसे हासिल करने के लिए मैंने खूब आंसू बहाए। ओहो, पहेलियां क्यों बुझा रही है वो? हाँ जल्दी जल्दी बता ना, साफ साफ बता। मैं बताती हूँ। बिट्टू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? बेटा समझ गया समझ गया, आपकी ये स्टोरी ओनली फॉर एडल्ट्स है। समझदार है। तू बोल ना आगे क्या हुआ। शिखर ने बोला कि माधुरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ। मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। हाँ। और उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। हाँ। मैं जोर जोर से रोने लगी। हाँ। तो उस वक्त तुम कहाँ थे? बीच पर। बीच पर ही रोना शुरू कर दिया? हाँ, बीच में मत बोले। ओहो, तू बीच में क्यों रुक गई, बोल ना। इतना रोई। शेखर ने आके मुझसे बोला कि सॉरी माधुरी, मम्मी को हार्ट अटैक आया। ये सुन के मैं इतना रोई। अच्छा, उस वक्त कहाँ थे तुम दोनों? अरे आपको क्या पड़ी है? अरे तू बोल ना। शेखर ने मुझसे बोला कि तुम्हारा प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे वाह, अरे वाह। सर आप कहाँ थे सर? क्यों,
सवेरे से रितू मैडम आपका फोन ट्राई करी है, कभी आपका नंबर कहता है कि ये नंबर मौजूद नहीं है और कभी कहता है कि कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। अरे यार, जब नंबर मौजूद ही नहीं है तो थोड़ी देर बाद डायल करें क्यों? एनीवेज, जब उन्हें ये सुनाई दिया कि आपका नंबर रेंज के बाहर है तब उन्होंने ऑफिस में फोन किया था। सपना, मैसेज क्या है बोलो? मैसेज कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी सॉबिंग सुनाई दी। सॉबिंग? हाँ, सिसकिया। नहीं नहीं सपना, इसका मतलब है तुमने कोई गलत टिप सुन लिया होगा, क्योंकि जहां तक मेरी बीवियों का सवाल है ना, सॉबिंग वो नहीं मैं करता हूँ। रोहन कर सॉबिंग। नहीं, बात किससे? अरे रितू से, सुबह से तेरा फोन ट्राई कर रही है, तेरा मोबाइल फोन तो लगा नहीं, तो मैंने मोबाइल पे फोन किया। पता नहीं चल रहा है, हो क्या रहा है, बोलो रितू। रोहन, रोहन तुम कहाँ हो? रितू, अरे क्या हो गया तुम्हें? एनी प्रॉब्लम रितू? नो रोहन, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक्चुअली आई एम बिगिन टू व्हाट डार्लिंग? क्या वॉमिटिंग कर रही हो क्या? नहीं, वॉमिटिंग तो तब होगी ना जब तुम्हारे साथ मीटिंग होगी। रोहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, I'm really missing you. अरे देखो डार्लिंग, बाद में बात करते हैं, ये दोनों सुन रहे हैं हमारी बातें। एक मिनट सुनो। नहीं नहीं सुनो, अरे नो नो, यू कैरी ऑन। रितू लिसन टू मी यार, अब ये बंद करो, मुझे चैन से काम करने दो वरना बॉस मुझे कच्चा खा जाएगा। अरे हाँ, वो तो आदि मानव है, कच्चा नॉनवेज ही खाता है। मैं कच्चा नॉनवेज नहीं खाता हूँ। रितू, वो बूढ़ा खुसट बॉस तुम्हारे बगल में खड़ा है? नहीं, तुम्हारे बगल में खड़ा है। अरे मेरे सर, सर एक मिनट, वो क्या मेरी बीवी रो रही है सर? रितू, अरे यार कमाल, रितू ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इतना कौर रोने लगी यार। तो क्यों नहीं रोएगी? कौन औरत ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका मर्दूद पति उसे छोड़कर किसी और के साथ रहता? यार लेकिन तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? सर, इसे समझाइए ना आप। अरे इसे क्या समझाऊं, ठीक ही तो कह रहा है। रितू को छोड़ के तुम्हें रिंकू से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने ये दूसरी शादी नहीं की होती सर, तो अरे रोहन, क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें रिंकू? आज तुमने शिकायत नहीं की कि दाल इतनी काली क्यों बनी है? इन सब चीजों पे ध्यान देना आजकल मैंने बंद कर दिया है रिंकू। मतलब दाल में जरूर कुछ काला है? अरे क्या बोल रही हो तुम? सच बताओ, उस रंभा ने तुमसे कुछ कहा क्या? कौन रंभा? अरे वाह, कौन रंभा? तुम जानबूझ करके अनजान बन रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, बताओ ना, कहीं तुम रितू के बारे में तो नहीं बोल रही हो? अब कैसे पहचाना तुमने? रिंकू, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज रितू के लिए तुम कोई एक नाम फाइनल कर लो। कभी तुम उसे रंभा कहती हो, कभी डायन कहती हो, तो कभी चुड़ैल, ये सब नाम सुनकर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। मुझे लगता है कि मेरी दो नहीं चार पांच बीवियां हैं। वो रंभा चार पांच औरतों के ही बराबर है। ओए, उस बेचारी के बारे में जो जी में आए बक रही हो तुम। बेचारी? और नहीं तो क्या, जानती नहीं हो वो बेचारी मुझे कितना मिस कर रही है? कितना? बहुत, दोपहर में फोन पर बहुत इमोशनल हो गई थी वो। फोन उठाओ। फोन तुम उठाओ और मैं पैरेलल लाइन से सुनूंगी कि कौन है वो मनुष। अच्छा, अगर तुम्हारी मम्मी का फोन होगा ना तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम उनके बारे में क्या बोलती हो। हेलो। हेलो रोहन, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? रितू, क्या हो गया, तुम रो रही हो क्या? मैं रो रही हूँ? हाँ। मैं क्यों रोने लगी रोहन? बस इतनी सी बात है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। I miss you, रोहन, I miss you. ए, बंद कर ये बकवास, हम लोग खाना खा रहे हैं, समझी? अरे रोहन, तुम्हारी आवाज अचानक इतनी बद्दी कैसे हो गई?
कहीं रिंकू तुम्हारा गला तो नहीं दबा रही है ना? फोन रख वरना वहां आके मैं तेरा गला दबा दूंगी, ढोंगी पाखंडी नौटंकी। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिटू? हाँ रोहन, रोहन आया है। अच्छा एक मिनट मामा, मूड मूड अरे 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 चलो खोलो खोलो। हाय जाजुमा। रोहन तुम क्यों आए हो खामखा मेरी बेटी को दुखी करने? क्या मेरे आने से आपकी बेटी दुखी हो जाती है? और नहीं तो क्या? अच्छा मैं खुद पूछ लेता हूँ। रिटो, रिटो तुम। हाय रोहन। अरे ये क्या डालेंगे तुम्हारी आंखों में पानी? हाँ लगता है प्याज काट रही है। देखो कितना बेरहम इंसान है। अरे वो तुम्हारी याद में रो रही है और तुम कह रहे हो प्याज काट रही थी क्या? मेरी याद में अचानक आंसू बहाना क्यों स्टार्ट कर दिया रिटू? बेरहम, बेमुरव्वत, बेवफा, बेवकूफ। चुप है। अब सॉरी पत्थर दिल इंसान, पिछले 2 साल से मैं आंसू पी रही हूँ। छी, 2 साल से आंसू पी रही हो? पीने के लिए और कुछ मिला नहीं क्या? ए, रोहन, उसके जज्बातों का मजाक मत उड़ाओ। जब से तुमने रिंकू से रिश्ता जोड़ा है मेरी बेटी रोज तुम्हारी याद में झुलस रही है। दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर हंसती है लेकिन अंदर ही अंदर फूट फूट के रोती है। अब इस पागल को कैसे समझाए? तुम्हारा रोहन अब नहीं रहा। यार मतलब तुम्हारा रोहन अब तुम्हारा नहीं रहा। अरे यार आप दोनों चुप हो जाइए यार, उस पर सोचेंगे कि अब ससुर जी नहीं रहे। नहीं नहीं रोहन ऐसी बात नहीं, अगर आप तुम उसे समझाओ मैं इसे समझाता हूँ। देखो तुम रितु को क्यों नहीं समझाते हो कि वो तुम्हें भूल जाए? अरे ससुर जी आपकी बेटी है, आप इसे समझाइए ना कि नाउ इट्स टू लेट। मैं कैसे समझाऊं, मैं खुद भी तुम्हें मिस करता हूँ। ससुर जी आप मुझे क्यों मिस करते हैं? नहीं वो क्या है ना बेटा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक मर्द होने के नाते मुझे इन सबको झेलना पड़ता है। अरे ससुर जी आप भी रो रहे हैं। सॉरी। ओह माय डैडी। ओह मम्मी। रोहन वी मिस यू रोहन, मिस यू। बिट्टू आ जाए। डैडी डैडी आपको बाहर। जब तुम्हारी मम्मी नाक पहुंच रही थी। ए, बेटा बस मैं अभी भी आया। बेटा जरा अपनी मम्मी को नाना नानी को समझाओ, उनसे कहना कि मुझे अरे गिर जाओ क्या यार, उनसे कहो कि मुझे इतना मिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ कह दे रहा इनसे। डैडी मैं उन्हें क्या समझाऊं? I miss you too. क्या सोच रहे हो? रिट्टू के बारे में सोच रहे हो? जाना चाहते हो उस नौटंकी के पास? रिंको उसे नौटंकी मत बुलाओ। तो क्या सती सावित्री बुलाऊं? अरे मेरे समझ में नहीं आता तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो क्या खुशियां मनाऊं कि तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें इतना याद कर रही है? तुमने उसे देखा नहीं ना इसलिए कह रही हो ये सब। बेचारी कितना रो रही थी पता है तुम्हें? और तुमने मान लिया कि वो रो रही थी? अरे मेरे सामने आंसू आ रही थी वो। वो सब मगरमच्छ के आंसू थे, तुम समझते क्यों नहीं? उसके डैडी मम्मी बिट्टू सारे रो रहे थे। पूरा परिवार मगरमच्छ है। ओह अगर ये मगरमच्छ की फैमिली की इमोशनल दास्ता खत्म हो गई हो तो हम भी जाके रो लें। सो लें। चलो चलो जल्दी अब सोते हैं। जाओ तुम मेरी नींद उड़ाकर सोने। अरे तुम्हारी नींद क्यों उड़ने लगी भाई? मैं तुम्हें छोड़कर रितु के यहाँ तो नहीं जा रहा हूँ ना तुम्हारी इजाजत के बिना। What? मतलब मेरी इजाजत होगी तो तुम जाओगे उसके पास? मतलब ना अब मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मतलब मैं जाना चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने जबरदस्ती की तो फिर मतलब तुम उसके पास जाना चाहते हो राइट? ऐसा मैंने कहा क्या? मैंने कहा ऐसा? मैंने तो नहीं कहा, मैं तो जाना चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने कहा कि रितु को देख के तुम्हें बहुत तरस आता है, मुझे उसके यहाँ जाना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? I mean, मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता इसके लिए।
मुझे शायद वहां जाना पड़ेगा। तुम जैसा चालू आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। उस रंबा के पास जाने की इच्छा कितनी खूबसूरती से बता रहे हो। ठीक है तुम जाओ। नहीं, 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 नहीं। नहीं तुम जाओ, उसके पास जाकर रहो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी असली है और कितनी नकली है। देखो वाकई चला जाऊंगा मैं। जाओ वाकई जाओ और मुझे भूल जाओ। आई विल नॉट मिस यू। अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। जाओ तुम। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं। अरे जाओ तुम। अपने कपड़े तो ले लूं। एक्सक्यूज मी। अरे माधुरी तुम्हारा वो इमोशनल ब्लैकमेल वाला आइडिया ना किसी काम का नहीं है। अरे अरे रोहन पर कुछ असर ही नहीं हुआ। मैं तो क्या मम्मी बिट्टू हम सब रोए, अरे यहाँ तक कि डैडी भी रोए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एकदम फालतू आइडिया, किसी को मत बोलना तुम। हाँ एक मिनट होल्ड कर। हाय रितू। अरे रोहन तुम इस वक्त यहाँ? हाय रितू, यू नो मैं वापस आ गया रितू, रिंकू को छोड़ के वापस आ गया हूँ मैं। ओह माय गॉड, मम्मी डैडी बिट्टू जल्दी आओ, देखो 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 क्या हुआ, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो मैं आ गया, मैं आ गया। कहाँ से? रिंकू के यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं यही रहने वाला हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे दो साल पहले रहता था। अरे मेरे कानों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, इनफैक्ट वो हेलो हेलो कह रहे हैं। अरे मेरी दोस्त माधुरी है लाइन पे ऑन हो। कौन माधुरी? कौन? तुम नहीं जानते उसे? लाओ ना जान लेता हूं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। हेलो हेलो माधुरी। हाँ नहीं तुम्हारा आइडिया वर्क कर गया। हाँ ओके बाद में बात करते, बाय। अरे सामान कहाँ रह गया? अंदर वाले बेडरूम में, जाओ जाओ। अरे वो तो हमारा बेडरूम है बेटा। था था, आज से वो हमारा बेडरूम है। तो हम कहाँ सोएंगे? बरामदे में। मेरे लिए खाना? अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम हमारे साथ रहने के लिए आए हो। सॉरी। अच्छा कल तक तो बड़ा रो रही थी, कह रही थी आई मिस यू, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो आई फॉरगेट यू। अरे नहीं रोहन, इसमें क्या है, जो भी बचा पुचा है खा लो ना, होटल से तो मंगाया है। क्या ये खाना होटल से मंगाया है? हाँ। तुम्हारे होते हुए मैं होटल का खाना होगा रिटो? हर केस नहीं, मेरे लिए अभी अपने हाथों से खाना बना, वो खाना मैं खाऊंगा। अभी नहीं खाएंगे। अब वो कैसे खाना बनाएगी? आपको चुप रहिए, चुप रहिए आप। क्यों? क्योंकि आज से यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। मेरे कहाँ है बिट्टू? कहाँ है बिट्टू? Yo, smack that. All on the floor, smack that. Give me some more, smack that. बिट्टू तुम्हारा होमवर्क हो गया? बिट्टू मैं पूछ रहा हूँ तो मैंने पूछा कि तुम्हारा होमवर्क हो गया? खाना खाने के बाद कंप्लीट करूंगा। नहीं, जब तक होमवर्क नहीं होगा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पहले होमवर्क कंप्लीट करो। जाओ जाओ चले। क्या वो? कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा कि अंदर जाके मेरे लिए खाना बनाओ या टाइम पास कर रहे हो तुम? सॉरी। देखिए ससुर जी, आपका काफी सारा सामान जो है मेरे बेडरूम में पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्यों? लेकिन कहाँ रखे, क्या करें? अपने सर पर। क्योंकि वो सामान अपने अपने सर पे रखकर कल आप दोनों गांव जाने वाले हैं। अरे वो बरामदे में इतने मच्छर काटते हैं ना? वो मच्छर थे? अरे मुझे तो लगा तुम बीच बीच में मुझे चूटी काट रही हो। ये बरामदे में सोना मुझसे नहीं होगा। चलो जी हमारे गांव चले जाते हैं। गांव जाके भी कोई फायदा नहीं है भाग्यवान, जब से इसने घर छोड़ा है ना वो गांव का मकान हमने भाड़े पर दे दिया। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे, आपने जो भी डिपॉजिट लिया होगा ना मैं लौटा दूंगा। थैंक्स डैड, आप कितने ग्रेट हैं। अच्छा अभी तू भी जरा ग्रेट बन जा, जाके पढ़ाई कर, चल भाग। अरे इतने भी ग्रेट नहीं हो। अरे कूली क्यों नहीं आया अभी तक? कौन कूली क्यों नहीं आया अभी तक? आगे देख, इस रूम में सब सामान रखा है इन दोनों का, उठा लो जाओ। तो अरे किसका सामान? इसका मतलब आप दोनों का, मैंने आपका सामान कल रात को पैक करके रख दिया है। हाँ
क्यों 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 मतलब गांव जा रहे हैं इसलिए आप? अरे क्यों क्यों किया, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ रोको उन्हें। जब इसको पकड़ो। रुको भाई, रुको भाई, रुको रुको। अरे रुको ना, अरे सुनो बात सुनो। अरे क्या कर रहे हो यार, इनको भी ले जाओ उठा के, चलो। अरे नहीं बात सुनो, रुको। अरे सासु मां समझती नहीं आपकी, गाड़ी छूट जाएगी, जाओ। तुम कैसे बात कर रहे हो? अरे रुको, तेरी तो रुको, निकल जा, अरे ना भाग यहां से, भाग रुको। अरे कुछ करो, क्या हुआ? अरे हम दोनों का सामान निकाल रहा है, हमें भी निकाल रहा है। This is too much, Rohan. This is too much. तुम जाओ, निकलो, रिंकू के घर में जाओ। हाँ, अपनी वही अरेंजमेंट ठीक है, जाओ। ओफो, लेकिन तुम्हें तो बार बार रो रही थी, कह रही थी मुझसे कि यू मिस मी, हाँ? वो तो ऐसे ही। ऐसे? मतलब मुझे क्या पता था तुम सचमुच रिंकू को छोड़ के यहाँ आ जाओगे। और वैसे भी तुम हमेशा आते जाते रहते हो ना। और आप लोग बार बार मुझे रोकर क्यों दिखा रहे थे? वो तो हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट कर रहे थे कि तुम हमें कितना चाहते हो। अब हम जान गए हैं तुम हमें बहुत चाहते हो। जाओ जाओ जाओ, रिंकू को फोन करके कहो कि तुम आ रहे हो। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती थी कि तुम इसे वापस भेज दोगी। आ गई, आ गई रिंकू। बाय बाय बेटा, सी यू। भूख लगी है ना? भाई, उल्टी आई है? बोलो। मिस यू, आई मिस यू टू बेबी। चलो जाओ। बस करो ये नाटक, वरना ये लोग तुम्हें वापस रोक लेंगे। चलो, नहीं रोकेंगे। अरे शोर मचा है अब गलियों।